हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वैष्णोस ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एलटी आप लोगों का एग्जाम है और लेक्चरर आप लोगों का जो आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि लेक्चरर और एलटी की तैयारी हम कैसे करें। क्या हम एलटी की तैयारी करें या लेक्चरर की तैयारी करें, या दोनों की हम साथ साथ तैयारी कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपका जो जवाब है वो है कि आप लोगों ने सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, लेक्चरर का सिलेबस बहुत स्पेसिफिक दिया हुआ है, राइटर्स आप लोगों को दिए हुए हैं और आप लोगों को ग्रामर सेक्शन आप लोगों को उसमें करना है। एलटी का जो सेक्शन है उसमें आप लोगों को चीजें दे रखी हैं लेकिन उतनी स्पेसिफिक नहीं दे रखी हैं। मैं आप लोगों को लैंग्वेज के और लिटरेचर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? बेसिकली लिटरेचर की अगर हम बात करें तो अगर मेरा आपको सजेशन होगा तो आप दोनों की तैयारी साथ में कर सकते हैं, सीधी सी बात। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है? आप यहाँ लेक्चरर के जितने आप लोगों के 41 राइटर्स हैं उन राइटर्स को देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर वर्ड्सवर्थ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपके पास में वर्ड्सवर्थ है तो आप लोगों को वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड क्या है, रोमांटिसिज्म है, ठीक है? आपको रोमांटिक पीरियड का पूरा नॉलेज होना चाहिए क्योंकि वर्ड्सवर्थ उससे बिलोंग करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे आपको वर्ड्सवर्थ की जितने भी वर्क हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन डेप्थ आप लोगों को स्टडी कर लेनी है। शेक्सपियर आ जाता है, ठीक है? तो शेक्सपियर आ जाता है तो शेक्सपियर के साथ में आप लोग ये देखिए कि शेक्सपियर की एज आ जाएगी, उसके सारे वर्क्स आ जाएंगे। इसी तरह से 41 राइटर्स हैं तो ओवरऑल आप लोगों के पूरी एज ऑफ जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो पूरा आ जाता है उसमें भी, ठीक है? लेकिन आपको वर्क के साथ में उन्हें स्टडी करना है इन डेप्थ। आप लोगों को आपको फोकस क्या करना है, उस पर्टिकुलर राइटर का वर्क कर लेना है। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को कहूँ कि लेक्चरर की जब मेरा सिलेक्शन लेक्चरर में हुआ था तो मैंने लेक्चरर की तैयारी नहीं की थी, ठीक है? इवन मैंने उसका सिलेबस भी डाउनलोड करके सिर पर रखा हुआ था। हाँ, मैंने कुछ जो नोट्स बनाए थे वो रखे हुए थे। अब क्या था कि काफी बिजी शेड्यूल था उस टाइम मेरा और मैं लेक्चर की तैयारी नहीं कर पाया, लेकिन मेरा लेक्चर में सिलेक्शन हो गया। उसका एक रीजन था, उसका रीजन था, सबसे बड़ा रीजन ये था कि उससे पहले जो मैंने तैयारी की थी उससे पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मेरा क्या था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ, जब भी जो भी मुझसे कोर्स खरीदते हैं उनको ये कहता हूँ कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, आपके जब भी इंग्लिश का कोई भी आप पेपर उठा के देखिए तो 25 to 30 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते, क्योंकि वर्ड्सवर्थ है उससे रिलेटेड अगर आपको चीजें याद है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप इन सभी राइटर्स को कम से कम ऊपर ऊपर तो स्टडी करते ही हैं, बहुत इन डेप्थ नहीं करते हैं लेकिन आप ऊपर ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में कि अगर आप लोग जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मेरे कहने का क्या मतलब है, ठीक है? मैंने आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया कैसे? कई लोग कहेंगे कि नहीं, यहाँ आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप जब इन डेप्थ चीजों को पढ़ते हैं ना तो उसका मजा ही कुछ और होता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हुए पढ़ने का मजा ही कुछ और है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो पढ़ाया था कि आप लोगों को पहले मैंने एज के बारे में जो था बैकग्राउंड आप लोगों को बताया था, क्योंकि जब आपको एज का बैकग्राउंड पता होता है तो आप लोग चीजों को ज्यादा दिन तक याद रख पाओगे। ऊपर ऊपर चीजें आप रट लोगे कुछ दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर पेपर अगर 1 महीने बाद होना होगा तो आपकी जो 6 महीने की तैयारी है वो बर्बाद हो जाएगी। उससे बेटर क्या है कि आप लोगों को सिंपल सा अपने नॉलेज बढ़ानी है, बैकग्राउंड आप लोगों को याद रहेगा, चीजों को आप अच्छे से कोरिलेट करके लिख पाएंगे। आप एज के बाद आता है, एज में मैंने आप लोगों को हर एज में जो मैंने आप लोगों को 10 वीडियोस कोर्स की बनाई थी, ठीक है, एक एक घंटे लगभग की है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसमें कम से कम 4 से 5 जो आप लोगों के फेमस राइटर हैं जिनकी वजह से उस एज को जाना जाता है उन राइटर्स को स्टडी करना, उसको मैंने आप लोगों को स्टडी करवाया था, राइटर्स को स्टडी करवाया था, और राइटर्स के साथ साथ मैंने उन राइटर्स के कम से कम 5-5 जो वर्क थे, इंपॉर्टेंट वर्क थे, उनको करवाया था। तो आप देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऐसे ही आप एज ऑफ चौसर से लेके और मॉडर्न तक आप लोगों ने पढ़ लिया, चार पांच राइटर आपने हर किसी के पढ़ लिए, तो लगभग 40 राइटर्स आपके हो गए हैं। अब देखिए, आपने 40 राइटर्स यहाँ कर लिए, उन 40 राइटर्स को अगर आप यहाँ मैच करेंगे इधर, ठीक है, तो क्या होगा, एलटी की तैयारी तो आप लोगों की हो ही रही है, साथ में आप लोगों के क्या होंगे,
इसमें से 40 राइटर्स में से लगभग 20 राइटर्स जो है ना वो आपके लेक्चरर के सिलेबस में भी है। तो दोनों के दोनों आप लोगों के क्या हो गए, एटलीस्ट यहाँ आप लोगों के इतने तैयारी हो गई है। अब बचे आप लोगों के यहाँ 20 समथिंग राइटर्स, उसे आप लोग सेपरेट तैयारी करके चल सकते हैं। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को एक चीज और दी थी, ठीक है, एक जो तीन फाइल मैंने आप लोगों को दी है शॉर्ट फाइल्स, ठीक है, एक 60 पॉइंट्स वाली दी थी जिसमें आप लोगों को 60 पॉइंट्स के बारे में था, 40 ड्रामा वाली फाइल आप लोगों को दी थी, ठीक है, और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को दी थी जिसमें कि एक फाइल थी उसमें 100 पेजेस हैं, 100 पेजेस की जो है उसमें बहुत सारे लिस्ट आप लोगों को दी थी मैंने, जिसमें कि जो लोग कोर्स में ज्वाइन है उसमें उन लिस्ट में क्या थे, उन लिस्ट में जैसे आपके साहित्य अकादमी हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, या आप लोगों के पेन नेम्स हो गए, ये सारी चीजें, या बुक्स के सब टाइटल्स हो गए, इस तरह की उसमें बहुत सारी लिस्ट आप लोगों को मिली थी। इसी के साथ आप लोगों के लगभग 200 पेजेस की एक टिडबिट्स वाली मैंने फाइल्स बनाई थी, लिटरेरी टिडबिट्स। उसमें क्या था, उसमें भी आपको इसी तरह की बहुत सारी लिस्ट थी, लेकिन साथ ही साथ उसमें कुछ चीजें हमने और ऐड करके आप लोगों को दी थी, ठीक है। तो दूसरा लेवल आप लोगों का ये हो गया। अब जब आप इतनी चीजें पढ़ रहे होंगे, ठीक है, चाहे आप इसे एलटी के लिए पढ़ लीजिए, एलटी कोर्स में आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का जो लेक्चरर का है वो भी साथ साथ में क्या हो रहा है, तैयार होता जा रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ एलटी की तैयारी करें, लेक्चरर की करें। आप अगर एलटी को बहुत अच्छे से फोकस करके तैयारी करेंगे, लेक्चरर की तैयारी अपने आप हो जाएगी आपकी। हाँ, लेक्चरर का अगर एग्जाम आ जाता है, आपको 1 महीना मिल जाता है, 2 महीना मिल जाता है, तो आप क्या कीजिए कि जो हमने सीरीज भी बनाई थी, आपके जो 41 राइटर्स थे, 41 राइटर्स को हमने किस तरह से करवाया था, 41 राइटर्स जो थे उसमें आपका सिंपल पहला जो था, ठीक है, पहला पार्ट था उसमें आप लोगों को डिटेल में बताया था कि ये जो राइटर है उसे आपकी एक डिटेल पीडीएफ आप लोगों को उसकी मिली थी। फिर पीडीएफ के साथ में जो राइटर है उसी का शॉर्ट्स, मतलब आपको वन लाइनर थे उसमें, और तीसरा जो था वही था कि आपको राइटर वाइज आप लोगों को एमसीक्यूज थे। तो अगर आप इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं, किसी राइटर को आप डिटेल पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए वर्ड्सवर्थ है, उससे रिलेटेड आपने जितनी शॉर्ट लाइन्स थी या वन लाइनर आप बोल सकते हैं उनको, वन लाइनर है वो आप लोगों ने स्टडी कर लिए, अब उसी के साथ में आपने एमसीक्यूज कर लिए। एमसीक्यूज कितने थे आप लोगों के, एक राइटर से रिलेटेड आपके 100 to 200 एमसीक्यूज आप लोगों को मिले थे। तो अगर आप इतना इनडेप्थ तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका उसी में आपका लेक्चरर और एलटी दोनों हो रहा था, जबकि कोर्सेज क्या है, मैंने सेपरेट आपका एलटी सेपरेट था और लेक्चरर आप लोगों का सेपरेट बनाया था, और लेक्चरर का जो था वो ये आप लोगों को पैटर्न मैंने दिया था, और जो ग्रामर था ग्रामर दोनों के लिए हमने साथ में प्रोवाइड करवाया था। तो ये जो तरीका था इसी तरीके से मैंने खुद तैयारी की थी, मतलब उससे पहले तैयारी की थी, जब राइटर मैं लेक्चरर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेक्चरर एलटी के लिए मैंने तैयारी की थी, लेकिन एलटी की तैयारी का मेरा जो जब सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम मेरा फोकस यही था कि मैं क्या करता था कि जो एज है, ठीक है, एक एज जरूर पढ़ता था, साथ में उसमें एक लिटरेरी डिवाइस, ध्यान दीजिए लिटरेरी डिवाइस को मैं बहुत अच्छे से कर लेता था और मेरा ये शेड्यूल में रहता था, और लिटरेरी टर्म, एक लिटरेरी टर्म हो गया आपका, और साथ ही साथ मैंने अफ्रीकन जो नोट्स बनाए थे वो आप लोगों के अलग से बनाए थे, जैसे अफ्रीकन राइटर्स हो गए, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश हो गया, तो इसमें मैंने सारे नोट्स अलग से बनाए थे आप लोगों के। इसके साथ में और भी थे, जैसे मैंने कैनेडियन की लिस्ट बनाई थी, और इवन चाइनीज जो थे वैसे पूछा कम जाता है, लेकिन ये भी मैंने जो थे उनकी लिस्ट बना के रखी थी, और सारी चीजों को मैंने इससे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी आप लोगों को सिखाया था, ठीक है। तो जितनी चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अफ्रीकन हो गया, अमेरिकन हो गया और इंडियन हो गया, ठीक है, अमेरिकन अमेरिकन, ये तीन जो थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट थे, तो इन चीजों को मैंने आप लोगों को करके दिया था। अगर आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे तो एक एज को ले लीजिए, उस एज को आप स्टडी करना शुरू कीजिए, उसका एक नहीं कम से कम 4 या 5 आप इम्पोर्टेंट राइटर्स को ले लीजिए, बैकग्राउंड जरूर पढ़िए एज का, उससे आपको इंटरेस्ट आएगा, लंबे टाइम तक पढ़ पाएंगे। उसके बाद एक लिटरेरी डिवाइस ले लीजिए और उस लिटरेरी डिवाइस को बहुत अच्छे से, उसके साथ में आप लोग जरूर याद कीजिए कि उस लिटरेचर में उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कहाँ आप लोगों को मिलेंगे, वो कहाँ कहाँ यूज हुई है वो लिटरेरी डिवाइस, कम से कम 2-3 लाइन तो आप लोग पढ़ लीजिए। इवन मैंने कोटेशन की एक बहुत लंबी आप लोगों को लिस्ट दी थी, उसमें आपके 200 कोटेशन समथिंग थे,
और इम्पॉर्टेंट कोटेशन जो बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों को पूछे गए हैं, तो कम से कम 200 समथिंग कर लीजिए और उसमें लिटरेरी डिवाइस फाइंड कर लीजिए। उसके बाद आता है टर्म, कम से कम एक या दो टर्म डेली करेंगे तो 30 डेज में ही 60 हो जाते हैं, और 100-200 अगर हो जाते हैं तो उसी में से टर्म्स में ही 3 और 4 क्वेश्चन टर्म से ही पूछ लिए जाते हैं। किसी भी एग्जाम पेपर को उठा लीजिए आप, तो उसमें टर्म्स आ जाएंगे। अब टर्म्स में ये भी है कि कुछ टर्म्स हमें आते हैं, उनको छोड़ के कुछ अपने को लेवल अप करने की कोशिश कीजिए। अफ्रीकन राइटर्स, इंडियन और अमेरिकन राइटर्स और कैनेडियन राइटर्स, इस तरह से कोई लिस्ट जैसे मैंने आप लोगों को दी थी, उसी तरह से अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो खुद ही स्टडी कर सकते हैं। कई कई क्वेश्चन करते हैं कि भैया सेल्फ स्टडी से क्या सिलेक्शन हो सकता है, तो सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। मैंने खुद सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन अपना लिया है। और इसके साथ में हाँ, ये जरूर है कि आप स्टडी मटेरियल आप कहीं से ले सकते हैं। हाँ, आपके अगल बगल अगर कोई क्लासेस हैं, आप आपको लगता है कि अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वहां पर तैयारी कर सकते हैं, तो कोई इतना फोकस करने की भी जरूरत नहीं है कि सेल्फ स्टडी से ही हम तैयारी करें। लेकिन सेल्फ स्टडी से 100% सिलेक्शन हो सकता है। देखिए, आपने अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है तो आप एक ही दिन में एक एक बुक भी पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से आप स्पीड रीडिंग कीजिए और कहीं ना कहीं उसको इनडेप्थ जानने की कोशिश कीजिए। तो जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो सेल्फ स्टडी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन देखिए, कोर्स क्यों लेता है कोई आदमी, ठीक है? आज की डेट में क्या है कि मुझे अगर अपना कोर्स बनाना है, सपोज कीजिए मुझे लेक्चरर का कोर्स मैंने बनाया था, तो मुझे लगा उसे बनाते बनाते 3 मंथ्स लगे थे, जिसमें कि मैंने मटेरियल को लिया, उसको फिल्टर किया, चीज़ों को बनाई, लिस्ट बनाई, वो सारे करते करते मुझे 3 मंथ्स लग गए। अब क्या है, कोई मुझसे उस कोर्स को ले लेता है, मैंने उसको कोर्स दे दिया, सपोज कीजिए 1500-2000 रुपये जो भी फीस होती है उसमें मैंने उसको कोर्स दे दिया। अब उसके ये 3 मंथ्स बच गए, तो ये जो पैसा है वो किस चीज़ का है कि हम टाइम सेव कर रहे हैं सिंपली। अब मैं इस 3 महीने मुझे क्या नहीं करना, लिस्ट नहीं बनानी है, चीज़ें नहीं करनी, मैं स्टडी कर लूँगा उसको। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूँ, 3 मंथ्स मेरे पास हैं, आराम से मैं अपना कोर्स बनाऊंगा या अपने लिए कंटेंट इकट्ठा करूंगा, इंटरनेट पे सारा कंटेंट आप लोगों को, खासकर इंग्लिश लिटरेचर का कंटेंट आप लोगों को इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बट आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको एक सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये भी और अच्छी चीज़ होती है कि जब आप चीज़ों को करते हैं तो वहाँ भी आपका नॉलेज बढ़ता है। तो सेल्फ स्टडी एक अच्छा है। आप हो सकता है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप सीधे वीडियो कोर्स लीजिए। वीडियो कोर्स लेके क्या होगा, आप डेली अपना एक शेड्यूल के साथ में स्टडी करेंगे तो आप कर सकते हैं। नहीं करना है, खुद की वीडियो शूट कर लीजिए, खुद की ऑडियो शूट कर लीजिए, सेल्फ स्टडी मटेरियल इकट्ठा कीजिए और करते रहिए अपनी तैयारी। 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बात आती है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये क्वेश्चन था, ठीक है? मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दिया कि भैया एलटी और लेक्चरर का सिलेबस है तो अलग अलग, ठीक है? लेकिन अगर आप एलटी की तैयारी में फोकस करेंगे और एलटी की तैयारी बहुत सिंसियरली करेंगे, लेक्चरर का एग्जाम वैसे निकल जाएगा आप लोगों का। अब आ जाते हैं टाइमिंग पे कि कितना टाइम मुझे देना चाहिए या मैंने कितना टाइम दिया है स्टडी पे। तो मैं एक इस तरह का इंसान हूँ कि अगर मुझे किसी चीज पे तैयारी करनी है तो ये मान के चलिए कि मैं उसे 20 घंटे भी कर सकता हूँ। अब 20 घंटे आप लोगों को लगेगा कि देखिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक आदमी होता है, वो बुक को क्या करेगा, उठाएगा, ठीक है, और पढ़ना शुरू किया उसने। अब वो कहीं चला गया, ठीक है, कहीं वो अपना कहीं दूर चला गया उस बुक से, तो कंटेंट से क्या हो गया, दूर हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं अगर चल रहा हूं तो मैं उसी कंटेंट के बारे में सोच रहा होता हूँ, मैं खा रहा हूं तो उसी कंटेंट के बारे में सोच रहा होता हूँ, मुझे इवन एक्सरसाइज करनी है, कुछ भी करना है, मैं इवन 4 लोगों के बीच में बैठा हूँ तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपना रिवीजन कर सकता हूँ आराम से, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इवन मैं बात करते करते कोई मुझसे बात कर रहा होगा, ठीक है, तो मैं उसको उसकी बात का ज़्यादा जवाब और अपना कंटेंट प्रैक्टिस करता रहूँगा। ये बड़ा ऑकवर्ड सा भी लगता है कई लोगों को कि हम बात कर रहे हैं, दूसरा आदमी बस हाँ और ना में ही जवाब दे रहा है, और कई बार मुझे पता भी नहीं होता कि उस आदमी ने क्या बोला है, ठीक है? तो कई बार ये होता है कि मैं खुद टीचर्स के बीच में होता हूँ और कोई मुझसे बात कर रहा होता है और आधे घंटे बाद मुझे खुद नहीं पता होता कि उस आदमी ने मुझे क्या बोला है। क्यों? क्योंकि मैं अपना जो मैंने पढ़ा हुआ था उसी में खोया हुआ हूँ। तो मेरे लिए बुक को साइड में रखना, ठीक है, बुक मैंने एक बार साइड में रख दी, लेकिन मैंने उसका कंटेंट दिमाग में फिट कर लिया। अब वो फिट कर लिया है क्योंकि देखिए आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है एग्जाम को क्रैक करना,
अगर आपका उद्देश्य एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको इवन सपने भी जो आने चाहिए ना, वो उसी कंटेंट के आने चाहिए जो आपने पढ़ा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कमी मुझे लगती है। कोई भी तैयारी कर रहा हो और उसे ऐसा ना हो रहा हो, एक दो सपने तो उसे आने चाहिए। तो इसलिए इतना डूब जाइए, 100% की बात नहीं करता हूं मैं, कहता हूँ 200% देंगे तो आप लोग, क्योंकि मैं खुद ऐसा इंसान हूं कि 12th तक मैंने रेगुलर पढ़ा है, उसके बाद मैंने रेगुलर नहीं पढ़ा है। सब मेरी एजुकेशन प्राइवेट है, ठीक है, प्राइवेट है, और उसके बावजूद मैं लिटरेचर अब पढ़ा पा रहा हूँ। या इसके साथ में सिर्फ लिटरेचर ही नहीं, इसके साथ में मैंने यूकेपीएससी का जो है, इससे पहले UK 8 SC होता था, LT क्वालिफाई किया है, यूपी का TGT PGT क्वालिफाई किया है, इवन मैंने KVS क्वालिफाई किया है, और KVS के बाद में यहाँ उत्तराखंड का आपका LT और लेक्चरर दोनों क्वालिफाई किए हैं। इतना ये जो पैटर्न है, ठीक है, क्लियर किया है, वो मैंने प्राइवेट एजुकेशन से पढ़ के किया है। मींस प्राइवेट एजुकेशन, जिन लोगों को पता होगा, उन्हें पता होगा कि प्राइवेट एजुकेशन में ये होता था कि हम सीधे एग्जाम देने के लिए ही जाते थे कॉलेज में, और उस टाइम पे भी ये नहीं था कि प्राइवेट में एजुकेशन ली थी और प्राइवेट एजुकेशन के साथ में मैं जॉब भी करता था। फुल टाइम जॉब की है मैंने, इवन 12th के बाद में मैं फुल टाइम जॉब की है मैंने, काफी सारी टाइप की जॉब्स की है। तो कहने का मतलब ये है कि 200% अगर आप देने को तैयार हैं अपने कंटेंट को पढ़ के, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाने का स्वाद नहीं देखना है, आपको बस खाने पे उतना फोकस नहीं करना है, आपको अपना कंटेंट दिमाग में बैठाना है, तब आप क्या होंगे, एक जो मैं एवरेज स्टूडेंट खुद को बोल सकता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट से अगर आप लोगों को क्वालिफाई करने तक एक जो लिमिट है वो क्रॉस करनी है, तो आप लोगों को इस तरह जीना पड़ेगा, इस तरह ही आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो मटेरियल आपको प्रोवाइड होता है उसमें आपको कहीं डाउट आता है तो आपको मुझसे शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, किस तरह से आप उसको पढ़ रहे हैं। जहाँ पे डाउट आता है वहाँ पे आप लोग शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। और अगर आप किसी तरह से तैयारी कर रहे हैं, आपने कोर्स नहीं भी लिया है और आप चैनल पर आए हुए हैं, तो आपको अगर गाइडेंस की जरूरत है तो आप बोल सकते हैं। देखिए, जो स्टडी मटेरियल है वो हमारा पेड है, लेकिन हमारी गाइडेंस पेड नहीं है। आप अपना, आपको बुक्स चाहिए कि बुक्स कौन सी मुझे पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, किस तरह से तैयारी करनी, उस चीज़ के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, उसमें आप लोगों को सारी जो गाइडेंस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और तैयारी आप लोगों को करनी है, और ध्यान से देखिए, ये भी नहीं है कि ऐसा कोई, मैं खुद के कोर्स के बारे में नहीं बोलूंगा, सभी के कोर्स के बारे में बोलूंगा, ठीक है। आप चाहे मेरा कोर्स ले लीजिए, आपने कोर्स ले लिया मुझसे, चाहे वो क्या कुछ भी उसकी कॉस्ट हो, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, उसको पढ़ा नहीं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने मेरा कोर्स नहीं लिया लेकिन आप लोगों ने खूब स्टडी किया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल सी बात। आपने कोर्स लिया, उसको स्टडी करेंगे, थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी आपकी एग्जाम की तैयारी में। तो किसी, कोई कोर्स ले रहे हैं तो उसको आपको 200%, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, 200%। और सीधी सी बात है, ये एक लड़ाई की तरह है, युद्ध की तरह है। आप युद्ध में जाने के बाद ये नहीं सोच सकते कि मेरे को इतना ही लड़ना है, इतना ही पढ़ना है, इतना ही ये करना। भैया, जब आप कूद गए हैं लड़ाई में तो पूरी तरह से 100-200% लड़ाई लड़िए, ठीक है, उस हद तक लड़ाई लड़िए जहां पे कि आदमी को लगे कि मैं मर गया हूँ, ठीक है। आपको तैयारी इसी हद तक करनी है, आपको किसी हद तक जाना पड़े तैयारी में, आपको उस हद तक तैयारी करनी है, तब आपको सिलेक्शन मिलता है। क्योंकि अब देखिए, 50,000 लोग आपको एक एग्जाम में मिल जा रहे हैं, अब ये 50,000 लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो सभी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बेहतरीन तैयारी कर रहा है, अपना पूरा 200% लगा के गाइडेंस के साथ में पूरी तरह से अच्छे से कर रहा है, उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेल्फ स्टडी से खुद को, मैं गाइडेंस का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कहीं से कोर्स लेना है, किसी की गाइडेंस या मेरी गाइडेंस की आपको जरूरत है, ऐसा नहीं है। आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना आता है, ठीक है, तो आप अपनी रीडिंग स्किल्स को और बेहतर कीजिए, और जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा आप लोगों का जो नॉलेज है वो अक्यूमुलेट होता जाएगा। तो सेल्फ स्टडी से का आपका आंसर है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है। कितने घंटे पढ़ना है भैया, जितने घंटे आप बढ़ा सकते हो उतने घंटे में आप, वो आपकी कैपेसिटी है। कोई, मैं, अगर आप मुझे एक बुक आप मॉर्निंग में पकड़ा दोगे और शाम तक आप कहोगे कि इसको पढ़ना है, तो पूरी बुक शाम तक मैं पढ़ सकता हूँ। अब किसी की कैपेसिटी है, उसे 4 पेज पढ़ने के बाद उसे घूमने जाना है, वो नहीं बैठ पाते एग्जाम में, तो वो उसकी प्रॉब्लम है।
लेकिन आप लोगों को ये जरूर ध्यान रखना कि भैया 6 महीने मुझे ऐसी तैयारी करनी है, 1 साल मुझे ऐसी तैयारी करनी है कि इंग्लिश लिटरेचर का मैं मास्टर बन जाऊं, तब आप इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों के जो क्वेश्चन है, शेड्यूल की बात करेंगे। शेड्यूल में कई लोग बुक्स खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि मैं एक बुक को पहले फिनिश करूं, फिर दूसरी बुक को करूं, फिर तीसरी बुक को करूं। नहीं, आप लोग जैसे आपने टर्म्स पढ़ने हैं या आपने लिटरेरी डिवाइसेस पढ़नी है, यहाँ पे आपको ग्रामर पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे आपको एजेस पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप हर चीज को एक मिक्सचर बना के अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अब इसमें आप 1 आवर भी ले लीजिए, ठीक है, तो भी आप लोगों के लिए काफी टाइम हो जाता है। 4 घंटे की तैयारी अगर आप कर रहे हो, लंबे टाइम तक कर रहे हैं, तो भी सफिशियंट तैयारी की जा सकती है। आप 18-20 घंटे ना जाइए, भी 12-14 घंटे मत जाइए, लेकिन अगर जा सकते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, 20 घंटे का मतलब ये है कि अगर आप वॉशरूम में भी है ना, तो आप लोगों के पास वही कंटेंट आप रिवाइज कर रहे होते हैं मॉर्निंग। जब आप, अगर मेरी बात करें तो 4:30 बजे उठने की आदत है, 4:30-5 बजे, और आप शुरू हो जाते हैं अपनी जो भी कर रहा है आप लोगों को चीजें, वहां पे आप अगर आपको 1 घंटा भी लगता है तो आपको पूरा वही कंटेंट मॉर्निंग में तुरंत उठते ही आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना है और अपनी ऑडियो यूज कर लीजिए, तो सारी चीजें। तो 4 घंटे अगर आप बैठ के तैयारी कर रहे हैं और 2-3 घंटे आप चलते फिरते तैयारी कर रहे हैं, तो 7 घंटे आप लोगों का क्या हो जाता है, स्टडी टाइम हो जाता है। तो होपफुली कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को क्लियर किए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।